वेलकम एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग लॉ का रिवीजन कर रहे हैं। सालफेसी एक्ट 2002। बेसिक डेफिनेशंस है लाइक एसेट रिकंस्ट्रक्शन, इसका मतलब होता है एक्विजिशन बाय एनी सिक्योरिटाइजेशन कंपनी। एक सिक्योरिटाइजेशन कंपनी होती है, वो अगर कोई एसेट एक्वायर कर रही है, ओके, या फिर एनी राइट और इंटरेस्ट फ्रॉम एनी बैंक। सो एक बैंक है, वो लोन देती है बॉरोअर को, ठीक है। सो इन रिटर्न बॉरोअर उसको क्या देता है, कोई एसेट उसको गिरवी रखना पड़ेगा। ये एसेट जो है बैंक किसको प्रोवाइड करती है, टू सिक्योरिटाइजेशन कंपनी, जिसको ARCB बोलते हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है। सो ये बैंक किसको प्रोवाइड की, सो वही एक्विजिशन ऑफ एसेट इंटरेस्ट, ये जो एक्वायर कर रही है इसको बोलते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन। और ये एक्वायर करके क्या करती है, वो उससे फाइनेंशियल असिस्टेंस लेती है फॉर द पर्पस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ सच फाइनेंशियल असिस्टेंस। सो ये जो एसेट है इससे वो रियलाइजेशन के पर्पस के लिए उसको यूज करती है। बेसिक डेफिनेशन लाइक बोरोवर, डिफॉल्ट, फाइनेंशियल एसेट एक बार रीड करने से ही समझ में आ जाएगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है एक सबस्टैंडर्ड या फिर डाउटफुल और लॉस एसेट है, और इसको कौन क्लासिफाई करता है एज सबस्टैंडर्ड या फिर डाउटफुल, एक बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको ऐसे क्लासिफाई करेगी। देन QIB जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं, ये लोग क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है या फिर इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, जिनको एक रजिस्ट्रेशन मिला हुआ रहता है। सी दे आर बीन ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 4, ओके। सो ये QIB कहलाते हैं। देन सिक्योरिटाइजेशन, ये क्या है, मीन्स एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट बाय एनी सिक्योरिटाइजेशन कंपनी, ओके, फ्रॉम ओरिजिनेटर। ओरिजिनेटर कौन है, बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ओरिजिनेटर बोलते हैं। इससे एसेट इनको मिल रहा है, वो एसेट बैंक के पास कहाँ से आया, अगर जब वो लोन प्रोवाइड कर रही है टू बोरोवर, सो उनसे इन रिटर्न उनको एसेट मिल रहा है, जो कि वो जो बोरोवर है वो गिरवी रखते हैं। सो वो बैंक क्या करती है, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी को दे देती है, और वो कंपनी क्या करती है, उस एसेट से रेस फंड जनरेट करती है थ्रू QIBs। सो QIB को वो इशू करती है सिक्योरिटी, और इन रिटर्न QIB उनको कैश देते हैं। सो इस प्रोसेस को सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं। सिक्योरिटाइजेशन कंपनी वो कंपनी है जिसका फॉर्मेशन हुआ था फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, ओके। देन कम्स रजिस्ट्रेशन ऑफ ARC, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। सो एक कंपनी ARC जैसे एक्ट तभी कर पाएगी जब उसको एक क्या वो ऑप्टेन कर ली होगी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो कि ग्रांट करेगा RBI। ये जो 2 करोड़ अमाउंट रुपीज है, ये बढ़कर 100 करोड़ हो गया, ये अपडेटेड है, अमेंडेड किया हुआ है। सो RBI इसको सर्टिफिकेट ग्रांट करेगी, एंड ऐसी कंपनी का जो फंड है, हैविंग द फंड नॉट लेस देन 100 करोड़ रुपीज, ओके। देर आर सम कंडीशन, तो कुछ कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, देन ओनली जो रिजर्व बैंक है वो अलाउ करेगी, ग्रांट करेगी अप्रूवल। तो कंडीशंस क्या क्या है, ऐसी कंपनी को लॉस नहीं इनकर किया होना चाहिए 3 preceding फाइनेंशियल ईयर, मतलब प्रीवियस 3 सालों में कोई लॉस नहीं इनकर हुआ होना चाहिए। देन जो कंपनी है ये एडुकेट अरेंजमेंट किया होना चाहिए कंपनी का फॉर रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एक्वायर, जो वो एसेट्स एक्वायर कर रही है फ्रॉम बैंक उसके रियलाइजेशन के लिए वो अरेंजमेंट किया होना चाहिए। देन शैल बी एबल टू पे पीरियोडिकल रिटर्न्स एंड रिडीम ऑन रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स ऑन द इन्वेस्टमेंट मेड। और जो डायरेक्टर्स हैं ऐसे कंपनी के, वो उनके पास एडिक्वेट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड टू फाइनेंस सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ। देन जो डायरेक्टर्स है वो कोई कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए ऑफ एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड। देन स्पॉन्सर ऑफ द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो उनका जो स्पॉन्सर है वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना चाहिए, ठीक है, एज बाय द क्राइटेरिया गिवन बाय द RBI, ठीक है। और द कंपनी हैज कंप्लाइड विथ द प्रूडेंशियल नॉर्म्स स्पेसिफाइड बाय RBI। आफ्टर ऑल दिस, अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो वो उसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया जाएगा। वंस अ कंपनी इज रजिस्टर्ड एज ARC या फिर सिक्योरिटाइजेशन कंपनी, ओके, तो उसके बाद इट मस्ट ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ द RBI रिजर्व बैंक फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। सो ये 3 पर्पस के पहले उसको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा फ्रॉम RBI। सो क्या है ये,
एनी सब्सटेंशियल चेंज इन इट्स मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट में कोई चेंज होता है तो उसके पहले उसको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा आरबीआई से. चेंज ऑफ लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर चेंज इन इट्स नेम. सेक्शन फोर. सेक्शन फोर में आरबीआई जो है वो कैंसिल कर सकता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. वो कौन से केसेस में कैंसिल करेगा? सो पहला है सीजेस टू रिसीव और होल्ड एनी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम क्यूआईबी. सीजेस टू कैरी ऑन एसेट रिकंस्ट्रक्शन बिजनेस, अपना जो मेन पर्पस है उसका, अगर वो काम करने से नहीं कर रहा, या फिर फेल्स टू कम्प्लाई विद द कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. अगर वो जो कंडीशन अभी पड़ा हुआ कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था बट बाद में जाके फेल कर रहा है टू कम्प्लाई, देन ऑल्सो उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा. फेल्स टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 3(3), फेल्स टू कम्प्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ आरबीआई, फेल्स टू मेंटेन अकाउंट, सबमिट डॉक्यूमेंट्स ऑन इंस्पेक्शन बाय आरबीआई, ऑब्टेन्स अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई फॉर एनी सब्सटेंशियल चेंज इन इट्स मैनेजमेंट. बिफोर कैंसिलिंग रजिस्ट्रेशन रिजर्व बैंक क्या करेगा? शैल गिव एन अपॉर्चुनिटी टू सच कंपनी. सेक्शन 5, एक्विजिशन ऑफ राइट और इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल एसेट. तो जो AIC या सिक्योरिटाइजेशन कंपनी है उसको वो राइट और इंटरेस्ट भी मिल जाएगा उस एसेट का. और अब जो ये ARC है ये बन जाएगा लेंडर, मतलब जो बैंक लेंडर था अब ARC भी एज अ लेंडर माना जाएगा. सो उसके पास भी वो एसेट का राइट और इंटरेस्ट अवेलेबल होगा जो पहले बैंक के पास था. नेक्स्ट सेक्शन 9. सेक्शन 9 मेनली बोलता है पावर जो ARC के पास जो ARC के पास जो जो पावर्स है वो कैसे उसको एक्सरसाइज करता है, और यही इसमें सेक्शन 9 में मेनली डिफाइन किया गया है. सी प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ द बोरोवर बाय चेंज इन टेक ओवर ऑफ द मैनेजमेंट और बिजनेस ऑफ द बोरोवर. सेल और लीज, मतलब वो इस सामान प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकता है ऑफ द बिजनेस ऑफ बोरोवर, और सेल और लीज अ पार्ट और होल ऑफ द बिजनेस ऑफ द बोरोवर. ठीक है, अगर वो बोरोवर जो इन केस अगर वो जो बोरोवर है जो पैसा एज अ लोन लिया था, सो उसके उसके जो बिजनेस है उसको सेल कर सकता है या लीज पे कर सकता है, पार्ट ऑफ द बिजनेस और होल ऑफ द बिजनेस. रीशेड्यूल कर सकता है पेमेंट ऑफ डेब्ट पेबल बाय द बोरोवर, इन्फोर्समेंट ऑफ एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सेटलमेंट ऑफ ड्यूज पेबल बाय द बोरोवर, टेकिंग पोजिशन ऑफ सिक्योर्ड एसेट, कन्वर्जन ऑफ एनी पोर्शन ऑफ डेब्ट इंटू शेयर्स ऑफ अ बोरोवर. सो ये सब जनरली जो मेजर्स है जो ARC ले सकता है या फिर पावर्स जो ARC के पास है. अदर फंक्शन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन कंपनी. सेक्शन 10 में अदर फंक्शन ऑफ ARC डिफाइन है. ARC और किस तरह से एक्ट कर सकता है? एज अ रिकवरी एजेंट फॉर एनी बैंक, मतलब अगर जो बोरोवर है वो पैसा नहीं दे रहा या एज एन एजेंट काम कर सकता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या फिर एज अ मैनेजर, या फिर एक्ट एज अ रिसीवर इफ अपॉइंटेड बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल. सेक्शन 11, रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स. सो अगर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन, बायर और ARC के बीच में अगर कुछ भी रिजोल्यूशन डिस्प्यूट आता है, सो वो रिजोल्व किया जाएगा, वो सेटल किया जाएगा बाय कंसिलेशन और आर्बिट्रेशन, और ये प्रोवाइडेड है इन द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996. एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट. सेक्शन 13, यहाँ पे बैंक के पास जो पावर वेस्टेड है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. वंस जो बोरोवर का अमाउंट था, लाइबिलिटी जो था, वो NPA डिक्लेयर कर दिया जाता है बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर, उसके बाद सिक्योर्ड क्रेडिटर क्या करेगा, नोटिस इन राइटिंग भेजेगा टू बोरोवर. ठीक है, और बोलेगा टू डिस्चार्ज हिज लाइबिलिटी. ओके, फुल लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए बोलेगा विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस फॉलिंग. ठीक है, देन अगर बोरोवर फेल करता है टू डिस्चार्ज हिज लाइबिलिटी इन फुल विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास क्या राइट आ जाता है, टू टेक पोजिशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट, टेक ओवर द मैनेजमेंट. वो उसके मैनेजमेंट को टेक ओवर कर सकता है, अपॉइंट एनी पर्सन जो कि वो सिक्योर्ड एसेट को मैनेज करेगा, रिक्वायर एट एनी टाइम बाय नोटिस एंड राइटिंग. ठीक है, मतलब जो बोरोवर का जो डेटर है, बोरोवर डेटर्स जो, मतलब जो बोरोवर को पैसा देने वाला था, सो वो अब सिक्योर्ड क्रेडिटर क्या करेगा, वो बोलेगा कि बोरोवर को पैसा के देने के बजाय तुम मुझे पैसा दो, सिक्योर्ड क्रेडिटर को पैसा दो. एनी पेमेंट मेड बाई एनी पर्सन टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर
शैल गिव सच पर्सन अ वैलिड डिस्चार्ज, मतलब उसकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी एज इफ ही हैज मेड पेमेंट टू द बोरोअर. ओके देन सेल ऑफ इमेबल प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ बिड. ओके सो यहाँ पे बिड करके भी उस प्रॉपर्टी को सेल किया जा सकता है. देन जो बिड करने के बाद परचेस प्राइस जो आया होगा उसको एडजस्ट किया जाएगा टुवर्ड्स द अमाउंट ऑफ क्लेम ऑफ द सिक्योर क्रेडिटर. लाइक अगर सिक्योर क्रेडिटर का क्लेम था पाँच, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख का क्लेम था और बिडिंग में उसका परचेस प्राइस आ गया 7 लाख, सो इसको एडजस्ट करके जो 2 लाख है वो उसको रीपे करना